नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं बेल बटन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉड्यूलर बॉक्स की साइज के बारे में। तो दोस्तों मॉड्यूलर बॉक्स में ये है हमारा MS बॉक्स 2 मॉड्यूल का। इसमें हम 1 मॉड्यूल की सीट और 2 मॉड्यूल के स्विच भी लगा सकते हैं। इसमें 2 स्विच आराम से लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना बॉक्स आता है 3 मॉडल का आता है, लेकिन वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 3 मॉडल के पास में 4 मॉडल का बॉक्स आता है। 4 मॉडल का बॉक्स कुछ इस तरह से होता है। इसके बाद में हमारा 6 मॉडल का बॉक्स आता है। 6 के बाद 4 के बाद 5 का नहीं आता है, डायरेक्ट 6 का आता है। यह है 6 मॉडल का बॉक्स जो ये है। इसके बाद में 6 के बाद में 7 का भी नहीं आता है। फिर आता है 8 मॉडल का बॉक्स जो आप देख पा रहे हैं। ये रहा 8 मॉडल का बॉक्स है, जो ये लंबा वाला 8 मॉडल है, इसको हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। इसके बाद में हमारा स्क्वायर 8 मॉडल का स्क्वायर बॉक्स है, जो ये 8 मॉडल का है। इसके बाद में स्क्वायर के बाद में आता है 12 मॉडल का, जिसमें 10 मॉड्यूल नहीं आता है। इसमें 12 मॉड्यूल का बॉक्स है जी। और 12 मॉड्यूल के बाद में डायरेक्ट अपने 18 मॉड्यूल का बॉक्स आता है। और ये बॉक्स अपन लगा सकते हैं।